हेलो। हाँ सर बोलिए। पर्सनल लोन? अच्छा, कितना दे रहे हैं? 1 लाख तक, वो भी बिना किसी सिविल स्कोर के। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा? लिंक दिया है मोबाइल ऐप का, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। उसके बाद तुरंत मुझे मिल जाएगा लोन। हाँ ओके सर, ओके सर, करता हूँ करता हूँ। रुक जाओ भाई, थोड़ा ये वीडियो भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सनल लोन लेने के चक्कर में पड़े हुए हो तो पहले ये जान लो कि पर्सनल लोन लेने से क्या नुकसान होता है। फायदे की बात मत करो, पर्सनल लोन में कितना फायदा होगा वो तो जो ले चुके हैं उनको पता है, लेकिन पर्सनल लोन लेने से नुकसान क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, उसके बाद सोच लेना कि पर्सनल लोन लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन अगर लेना है तो उसके लिए क्या क्या लगता है जरूरी है, ठीक है? डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट तो पैन कार्ड आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी इनकम प्रूफ चाहिए होता है। इनकम प्रूफ चाहिए होता है कि आप कितना कमाते हो। दूसरी बात ये है कि फिक्स सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 तक तो होना ही चाहिए, अगर इतना नहीं है तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये है कि आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। फ़ोन पे तो बता दिया कि भाई लो सिविल स्कोर है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन जब आप लोन लेने जाओगे, पर्सनल लोन लेने जाओगे, तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक होता है। और अगर सिविल स्कोर लो है और फिर भी लोन देने की बात कर रहे हैं आपको, तो और थोड़ा अलर्ट हो जाना, सतर्क हो जाना, क्योंकि फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट मिलने वाला है उस लोन पर। यानी कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो नॉर्मल लोन के मुकाबले आपको इस पर्सनल लोन पर बहुत ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। सो जानते हैं पर्सनल लोन लेने से क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इस पर हाई इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि बहुत ज़्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा पर्सनल लोन पर। इसके अलावा जितने भी लोन हैं उसको अगर लेते हो तो इस पर जो है उतना ज़्यादा ब्याज देना नहीं पड़ता जितना कि पर्सनल लोन पर ब्याज देना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं ब्याज के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग बैंकों में ये थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मान सकते हो कि अच्छा बैंक की बात छोड़ देते हैं क्योंकि अभी फ़ोन आया था वो किसी कंपनी से आया था और ये कंपनी कोई ऐप वाली कंपनी है, क्योंकि आपने देखा कि वो बोला था कि भाई ये ऐप मैंने मैसेज भेजा है उस पर डाउनलोड कर लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना, उस पर रजिस्टर कर लेना। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, पर्सनल लोन भी लेना है ना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही, मैं तो बोलूंगा ऐसी कोई सिचुएशन ही ना हो कि आपको पर्सनल लोन लेना पड़े इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर फिर भी अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो ना, तो जाकर अपने किसी बैंक पर जाकर वो भी सबसे सस्ते दर पर जो पर्सनल लोन दे रहा है लेना। लेकिन यकीन मानो पर्सनल लोन सस्ते दर पर आपको नहीं मिलेगा। और मोबाइल पर जो ऐप हैं जो आपको पर्सनल लोन दे रही हैं उसके चक्कर में तो पड़ना भी मत, वरना आपकी किडनी भी बिक जाएगी। हाँ बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है जब आप ले लेते हो उसके बाद वो लोग बताते हैं। शुरुआत में आपको ये सब कुछ जानकारी चेक कर लेना चाहिए कि सबसे पहले कि पर्सनल लोन जो आपको मिल रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना आपको साइड चार्जेस है, कितना प्रोसेसिंग फीस है, कितना अलग से चार्ज है, कितना प्री पेमेंट चार्ज है, सब कुछ आपको जान लेना जरूरी होता है। अगर नहीं जानते हो तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा ब्याज तो आपको हाई देना ही है, हाई इंटरेस्ट रेट देना ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारा जो है पैसे देने पड़ेंगे। और आप बाद में देखोगे जो आपने पर्सनल लोन लिया था उसके चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा जो है पैसे वहाँ पर बर्बाद किया, नहीं दे दिए बैंक को या फिर किसी मोबाइल ऐप वाली कंपनी को या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि पर्सनल लोन मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रही है। तो पहला तो ये हो गया कि पर्सनल लोन से डायरेक्ट जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। और मैं बोलूँगा कि आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, मेरे तरफ से ये एडवाइस आपको फ्री में मिल रही है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनको उस बहुत ज़्यादा ही ब्याज लिया गया, उनसे बहुत ज़्यादा ही पैसे लिए गए हैं। दूसरा ये है कि सिविल स्क्रोल डाउन होता है इससे, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इससे डायरेक्ट जो है कंपनियों को या फिर बैंक जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि आपने पर्सनल लोन लिया है, क्योंकि पैन कार्ड तो लगता ही लगता है, उससे पता चल जाता है कि आपने
किस टाइप का लोन लिया है। सिविल स्कोर खराब होने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं पर्सनल लोन का, कभी कभी अटक सकता है, या फिर आपकी मतलब समय से सैलरी नहीं आए, समय से आपके पास पैसे ना हो, ऐसे कंडीशन में अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है और वहाँ पर आपने समय से टाइम से जो हफ्ता आता है, जो महीने का जमा करने की किस्त आती है, EMI होती है, अगर उसको जमा नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा और बाद में आपको जो अच्छी वाली लोन है वो भी बैंक आपको नहीं देते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, डेब्ट टू इनकम रेशियो खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डेब्ट टू इनकम रेशियो खराब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप समय से पर्सनल लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर के साथ साथ डेब्ट टू इनकम रेशियो भी खराब हो जाएगा और उसके बाद भी आपको इन द फ्यूचर आपको कोई भी जो मतलब गोल्ड लोन है, मुद्रा लोन है, फलाना लोन है ना, जो भी अलग अलग होम लोन है, इस तरह के लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। सो पर्सनल लोन लेने से पहले एक बार जरूर विचार करें। चौथी बात यह है कि लोन रिकवरी से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है इमरजेंसी में, सो बाद में अगर समय से आपने पर्सनल लोन को नहीं चुकाया, या फिर एक आध भी किसी जरूरत होती है, या फिर आप जो है नहीं दे पाते हो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि भाई पैसा नहीं है, अभी नहीं दे सकते, ऐसे कंडीशन में लोन की रिकवरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो लोन देने वाले ऐप हैं वो, या फिर ये जो लोन देने वाली कंपनियां हैं, ये अलग से जो है एजेंट हायर करती हैं जो कि लोन की रिकवरी कराएं, ठीक है, और वो लोग जो है अलग से आपको परेशान करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो पर्सनल लोन मत लेना भाई। और पांचवा क्या है कि लोन प्री पेमेंट, ये क्या है भाई, अब आप बोलो ये है एक्स्ट्रा बोनस, ये आपके लिए बोनस नहीं है, ये उनके लिए है। अगर पर्सनल लोन लेने जाओगे तो आपको प्री पेमेंट कराया जाता है। प्री पेमेंट वही होता है, कुछ अमाउंट होता है वो लोग लेते हैं, लेकिन अगर आप बाद में उसको जोड़ोगे, कैलकुलेशन करोगे तो देखोगे कि आपने पर्सनल लोन लिया है 1,00,000 रुपये, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको 1,00,000 रुपये का, इससे ज़्यादा भी लोगे तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है होती है। सो यहाँ पर 1,00,000 रुपये का जो आप लोन लोगे उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा फीस लग सकती है, यहाँ पर प्री पेमेंट लग सकता है, कुल जितना भी जमा राशि वो बढ़ जाती है। इसके अलावा चार्जेस होते हैं प्री पेमेंट के, वो अलग से लगते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस होती है, वो अलग से लेते हैं बैंक लोग, या फिर ये मोबाइल कंपनियां जो लोन देती हैं, ऐसे लोग जो है अलग से प्रोसेसिंग चार्जेस अलग से लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ लेने के बाद अगर आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो जमा राशि बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में आप सोचोगे कि नहीं लिया होता तो सस्ता होता, या फिर नहीं लिया होता तो अच्छा होता, पर्सनल लोन नहीं लिया होता तो अच्छा होता, काश मैंने पर्सनल लोन नहीं लिया होता, ऐसा आप सोचोगे। तो पहले ही सोच लो इसके साइड इफेक्ट क्या, यानी कि पर्सनल लोन लेने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ये पहले आप जान लो, ठीक है। छठा क्या है, बिफोर टाइम लोन जमा करने से क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है, ये भी एक जोड़ लो कि अगर टाइम से पहले, अजीब है ना, अगर आपके पास अचानक से पैसा आ गया, किसी से अपने रिश्तेदार से ले लिया, या फिर जो है अपने भाई से ले लिया, पापा मम्मी से ले लिया लोन देने के लिए, कि भाई पर्सनल लोन लेने के बाद जो है बाद में चीज़ें पता चलती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता चलती है, और ऐसे में आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने दोस्त रिश्तेदार से पैसे का अरेंजमेंट करके उस लोन को पहले ही जमा करने का करते हो, या फिर पहले ही टाइम से पहले उसको जमा करोगे, उससे जो है क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं है। जो बंदा पर्सनल लोन ले लेता है वो परेशान रहता है। सो पर्सनल लोन किसके लिए, पर्सनल लोन उनके लिए है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब किसके लिए, जो अमीर लोग हैं, अच्छा हाँ, जो अमीर लोग हैं उनके लिए इमरजेंसी में, लेकिन उनके जो अमीर है उनको पर्सनल लोन लेने की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ पर देखो, पर्सनल लोन अमीर लोग ले सकते हैं, लेकिन जो कंपनियाँ होती हैं, चाहे वो लोन देने वाली कंपनियाँ हो या फिर ये जो बैंक हो, ये लोग पकड़ते किसको है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय को, गरीब आदमी को जिसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, उसने अभी तक किसी को दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो भी लालच में मतलब एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग चार्ज, प्री पेमेंट चार्ज, फलाना ठिकाना, हाई इंटरेस्ट रेट, सब कुछ जोड़ कर उनको जब ज़्यादा फायदा मिल रहा होता है तो ऐसे में वो बलि का बकरा बना ही देती है। सो मेरे तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि जब भी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी मोबाइल ऐप जो है, जो मोबाइल ऐप, ऐसे कई सारे ऐप हैं जो
मोबाइल ऐप पर ही आपको पर्सनल लोन देने का दावा करती हैं या फिर देती हैं, तो ऐसे लोन कंपनी से बच के रहना, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं। प्री पेमेंट के तौर पर पैसा ले लेंगी, प्रोसेसिंग फीस का पैसा ले लेंगी, बाद में आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर लोन दे भी दिया कैसे भी, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जो है आपको चुकाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए सिरदर्द आगे होने वाला है। तीसरी बात ये है कि जो पर्सनल लोन है वो उसके जगह पर आप जो है गोल्ड लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, तो वह काफ़ी सस्ता पड़ता है। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बस यही मुझे आपको जानकारी देनी थी कि भाई पर्सनल लोन लेने से बचना, और अगर लेने जा रहे हो तो पहले सबसे पहले ये जान लो कि पर्सनल लोन लेने के क्या क्या नुकसान हैं। फायदे वायदे तो बहुत कमी होते हैं, मैंने इसको देखा है तो फायदे कुछ नहीं है। फायदे ये है कि भाई जितना लोगे उतना मिल जाएगा, और नुकसान ये है कि उसके ज़्यादा डबल में तो इसका ब्याज देना पड़ता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।